ठीक है, दिस जी रिकॉर्डेड, गॉट इट। मैं मुशायरे का आगाज करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायरी ऐसी कैफियतों को जुबान देती है जिनसे हम रोज गुजरते हैं, लेकिन उनका इजहार नहीं कर सकते और ना ही उन पर ठहर कर सोच सकते हैं। मेरे नजदीक मुशायरे उसकी बेहतरीन तर्जुमानी करते हैं। आज की महफिल भी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सजाई गई है। हमारे आज के मुशायरे की सदारत नहायत मोहतरम शख्सियत मोहतरमा यासमीन बुखारी साहबा फ्रॉम लाहौर करवाएंगी। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाएं और हमें बाकायदा मुशायरा शुरू करने की इजाज़त दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। जी शुरू कीजिए, बहुत वेरी बहुत शुक्रिया। बढ़िया। जी, बिल्कुल शुरू कीजिए। मैं मोहतरमा सदर साहबा का तारुफ भी करवाती चलूं कि फूलों की खुशबू जहनो दिल को मुअत्तर करती है, तो कुछ फूलों की रंगत आंखों को बहुत दिलकश लगती है। आपकी शायरी माशाल्लाह, की खुशबू जहनो दिल को मुअत्तर करती है, तो आपकी मुसव्वरी आंखों को दिलकश मंजर फ्राहम करती है। मोहतरमा यास्मीन रियाज शाह साहबा लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आपने पहला शेर 1950 में तख्लीक किया था। आज शायरी के मजमुआ जात मंजरे आम पर आ चुके हैं। आपने फन मुसव्वरी में आलमी शोहरत हासिल की। शायरी आपको खुदा की जानिब से तोहफे में मिली। आपके वालदे मोहतरम डॉक्टर रियाज अली शाह साहब हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिना के वालिज और जाती दोस्त थे। फातिमा जिना जब भी तशरीफ लाती तो आपके यहाँ क्याम करती। मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहबा भी हजरत कायदे आजम और फातिमा जिना से कई मरतबा मिल चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मुशायरे के आगाज में मैं सबसे पहले हमदो नात के लिए डॉक्टर इसहाक साजिद साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमदो नात से मुशायरे का आगाज करें। अच्छा मेरे इसमें चलो ठीक है, ये सादत मिल रही है जी तो ठीक, शुक्रिया। जी मोहतरमा सदर से बस इजाजत चाहूंगा। जी जी बिल्कुल मनाजात के चंद अशआर हैं, उसके बाद एक नात रसूलन को सलाम पेश करूंगा। मैं कीजिए। गर्क के आब हूँ, मुझको उछाल दे यार। मैं गर्क के आब हूँ, मुझको उछाल दे यार। बंवर की जद से मुझे तू निकाल दे यार। आमीन। तवाफ करने लगूं तेरी जात का मैं भी, तवाफ करने लगूं तेरी जात का मैं भी। मुझे वो तर्जुआ उसने ख्याल दे यार। मैं आमीन राहे हक में फरोजा रहूं तमाम हया, एक ऐसी शम्मा की सूरत में डाल दे यार। आमीन। अरूज बख्श मेरी नेकियों को हर लम्हा, अनुज बख्श मेरी नेकियों को हर लम्हा, मेरे गुनाहों को दाइम जवाल दे यार। और आखिरी शेर है मक्ता। मैं सर्बसजदा दुआ कर रहा हूं अब साजे, हमारे सर से बलाओं को टाल दे यार।
आमीन मैं गर्क आप हूँ, मुझको उछाल आमीन। दे या रब। सुभान या अल्लाह रब सुभान नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर इब्तदा आप हैं, इंतहा आप हैं, सैयदी खातमुल अंबिया आप हैं, आपके कल्ब पर अर्श लौलाक है, आपके कल्ब पर अर्श लौलाक है, शाने मेराज का माजरा आप हैं, इब्तदा सुभान कसों के बिजरदों का चारा बने, अल्लाह बेकसों के बिजरदों का चारा बने, बेसहारा का बस आसरा आप हैं, सुभान चांद अल्लाह भी एक इशारे से दोलखत है, चांद सुभान भी एक इशारे पे दोलखत है, चांद भी एक इशारे से दोलखत है, दस्ते कुदरत का ये मौजज़ा आप हैं, इब्तदा हैं, और आपके अदल से पाए सबने अमां, आपके अदल से पाए सबने अमां, सिद्क और इंसाफ में मावरा आप हैं, इब्तदा आप हैं, और अपने साजिद के नगमों को दे वो गिना, अपने साजिद के नगमों को दे वो गिना, उसके लब पे जो उतरे दुआया आप हैं, इब्तदाया आप हैं, इंतहाया आप हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जी जबरदस्त जी मैं खूबसूरत। मुशायरे को आगे मैं आगे बढ़ाती हूँ, और मुशायरे की रवायत को मद्देनजर रखते हुए निजामत करवाने वाला सबसे पहले अपना कलाम पेश करता है, तो सदर साहबा की इजाजत से अपना कलाम पेश करना चाहूंगी। चाहती है, जरूर जरूर। जी बहुत शुक्रिया। एक नजम नजम पेश है करेंगी नजम या का, नजम या गजल पेश नजम करेंगी? नजम, अच्छा ठीक नजम है जी, है, नजम का अच्छा उन्वान है क्या, जिंदगी, जिंदगी मुझे अच्छा जिंदगी जिंदगी, जिंदगी मुझे दस्तक देते देते दम तोड़ रही है, उसको जी वाह लेना सब कुछ सहने से बहुत आसान था, उसको जी लेना सब कुछ सहने से बहुत आसान था, बगैर तड़पे सब कुछ सहना सबसे मुश्किल है, खुशी वाह का मर जाना भी मुश्किल है, मौत बांटते बांटते मैं जी नहीं सकती, मेरा जीवन और मुश्किल ना करो कि मैं मौत को जीना शुरू कर दूं, मौत से वाह पहले मर जाना बहुत मुश्किल है। क्या क्या वाह वाह वाह, क्या वाह बात वाह है, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत बस खूब। जी इतनी सी थी? जी तो फिर एक इस और सुना दे छोटी इतनी सी सी, जैसे खुद प्यारी सदर है साहबा उसी की। तरह प्यारी नज़्म थी। जी, हाँ माशाल्लाह, प्यारी प्यारी तो है, इसमें कोई दोरा नहीं है, जी, लेकिन एक बहुत और सुना दो इख्तियार से फिर। काम करती सदर साहबा की इजाजत से फिर एक और नज़्म पेश कर देती हूँ। जी, जरूर जी जरूर जी, जी अता आप शुक्रिया। एकदम, नज़्म का उन्वान है बिखरते लम्हे, ना जाने वाह वक्त का कौन सा झोंका था, वर्क पलटते गए लम्हे बिखरते रहे,
लम्हों का बिखराव कितना मुश्किल है, हर बिखरते लम्हे से उस एक लम्हे की रोशनी कितनी वाबस्ता थी, जो वाह चाय पलटते और आग की सतहों पे ठहरा हुआ था और बेहद रोशन था। शाबाश वाह शाबाश वाह वाह बहुत वाह, बहुत क्या बहुत कहने भाई, बहुत वाह वाह वाह, क्या बात है, इब्तदाई बहुत नज़्म है, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत शुक्रिया, प्यारी प्यारी नज़्म, शुक्रिया बहुत आपका प्यारी। प्यारी है भी बढ़िया जी, माशाल्लाह मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और माशाल्लाह, जो बड़ी अगले प्यारी शायर हमारे नज़्म साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ जी। करवाती चलूँ। मोहतरम मजावर मालेगानी साहब मालेगांव इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आप 20 साल से शायरी जी कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। मुजावर जी मालिकानवी साहब है, वाह वाह मुजावर साहब, वेलकम, आइए, खुश आमदीद। ये आपके धन्यवाद, तोड़ शादी हैं? शादी। जी, बस में दो तो हुए, एक उनका न्यूज है। एकलौते हम ही आइए, थे। आप अपनी आवाज खोलें, मालिकानवी साहब आवाज खोलें। आपकी आवाज बंद है, लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है, आवाज खोलें। अच्छे मजाहिया शायर है भाई मालेगांव। आ जा, अब आ रहे अब हो ना? दोबारा जी, अब आ रही है, शुक्रिया आ रही है ना? जी आ रही है, आ जी रही है, बिल्कुल। जी हाँ सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। प्यारा ये उम्र भर फितनाओ जंजाल में रहने के लिए, सुनिएगा, उम्र भर फितनाओ जंजाल में रहने के लिए हौसला चाहिए, ससुराल में रहने के लिए। क्या वाह कहने भाई, वाह वाह किसी में वाह हौसला वाह, है, कोई हौसलामंद है? उम्र ससुराल में रहने के लिए क्या भर चाहिए, फितनाओ जंजाल में जबरदस्त रहने के लिए हौसला जबरदस्त, चाहिए, ससुराल में वाह रहने वाह। के ये लिए। तो लालटेन साहब भी इसका जवाब देंगे आपको। अरे वही तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, गजल उस्ताद की जो पढ़ रहे हैं। वाह वाह सुने क्या, उम्र भर फितनाओ जंजाल में रहने के लिए हौसला वाह चाहिए, ससुराल में वाह, रहने के लिए। 5 सालों का तजर्बा है हमें, हमसे मिलो। 5 सालों का तजर्बा है हमें, हमसे मिलो, सालियों सालों के भौचाल में रहने के लिए। वाह, 5 साल में बड़ा तजुर्बा है आपका तो भाई, वाह वाह वाह, कमाल है। बड़ा तजर्बा है भाई, वाह वाह वो वाह साले डबल मीनिंग है। जी। देखिए, मैं तो जाहिर से आप देख रहे होंगे, मैं बहुत कमजोर नजर आ रहा हूं आज सबको, ये लेकिन गर्दोमाद लगते माना हैं। कि मेरे जिस्म में कुछ जान नहीं है। सुनिएगा, बतर खास सुनिएगा। माना कि मेरे जिस्म में कुछ जान नहीं है, ये तो नहीं जीने का अरमान नहीं है। माना कि मेरे जिस्म में कुछ जान नहीं है, पर ये तो नहीं जीने का अरमान नहीं है। और तू तू अपनी रजामंदी का सिग्नल तो मुझे दे, फिर बोलना झील में तूफान नहीं है। तू हाय वाह वाह अपनी वाह रजामंदी का सिग्नल तो मुझे दे, फिर बोलना इस झील में तूफान नहीं है। तो फन सलामत है, अदाकारी अभी बाकी है। सुनिएगा, वाह फन सलामत है, अदाकारी अभी बाकी है, दिल के बाजार में दिलदारी अभी बाकी है। वाह तो वाह वाह वाह, मेरे बालों की सफेदी को हिकारत से न देख, रात के ढेर में चिंगारी अभी बाकी है। वाह जी वाह वाह वाह, बहुत क्या खूब, कहने मजावर साहब, मेरे वाह वाह बालों की वाह सफेदी को हकारत से न देख, राख वाह के ढेर में चिंगार। बहुत नवाजी, शुक्रिया। यह पत्रकार सुनिएगा, सदर मौसू सुनिएगा, कि हमारी बेगम, जो मेरी जो बेगम है, मुझसे बहुत लड़ती झगड़ती थी, लेकिन मैंने 4 मिसे सुना दिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल बंद। सुनिएगा 4 मिसे, कि मोहब्बत से भरी सीन और भी हैं, मोहब्बत से भरी सीन और भी हैं, बजाने के लिए बीन और भी हैं।
बजाने के लिए बीन और भी हैं, मेरी बेगम ये सुन, तेरे अलावा शरीयत में अभी तीन और भी हैं। ये नहीं बता दे कि कौन सी बेगम को आपने ये कहा। आप समझ गए, पैगाम है क्या? मेरी बेगम ये सुन, तेरे अलावा शरीयत में अभी तीन और भी है, और दोस्ती, ये चार में से सुनिएगा, दोस्ती जब से हुई दुख्तरे हज्जाम के साथ। अच्छा, दोस्ती जब से हुई दुख्तरे हज्जाम के साथ, वाह वाह वाह, हजामत बड़े आराम के साथ हो रही अपनी हजामत बड़े आराम के साथ। वाह वाह वाह, सुनिएगा, जब जब नई शायरा आती है किसी महफिल में, अच्छा, नई शायरा आती है किसी महफिल में, कुछ सिंघाड़े भी चले आते हैं बादाम के साथ। जब नई आती है किसी महफिल में, कुछ सिंघाड़े भी चले आते हैं बादाम के साथ। ये तजमीन देखिए, तजमीन के, नमक चेहरे पा आंखों में कोई सपना नहीं रहता, लबों पर मुस्कुराहट का हंसी झरना नहीं रहता, और ये मेरा मशवरा है, तू न यूं ससुराल जाया कर, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। ये मेरा मशवरा है, तू न यूं ससुराल जाया। एक छोटी नज्म मैं चाहता हूँ आप सुन लीजिएगा, छोटी नज्म है ये, सच्चा, ये सच्चा सच्चा वाकया। एक मुशायरा हमारे इंडिया में किशनगंज में हो रहा था, एक शायरा पढ़ रही थी, एक बुजुर्ग बड़े उछल उछल का दांत दे रहे थे, सुनेगा, आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। सुने, मजा लीजिए, बहुत अच्छी नज़्म, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको, सुनेगा। आपके साथ, आपके सामने एक मंजर आएगा, सुनेगा। एक शब का है यह वाकया, हो रहा था एक मुशायरा, शायरों की यह कतार थी, सामईन में बहार थी, शायरात जिसमें थी कई, कुछ पुरानी और कुछ नई, सुन रहे थे बूढ़े नौजवान शायरों की शायरी जवान, एक शायरा थी खुश नजर, पढ़ रही थी झूम झूम कर, एक बूढ़ा था ही मन चला, सुन के हो रहा था बावला, और शायरा की सुन के शायरी हो रही थी उसको खलबली, आज माने अपना वो नसीब, शायरा के आ गया करीब, और अपने दिल को थाम के जरा, शायरा से बूढ़े ने कहा, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। क्या बात है भाई, वाह वाह। दोस्तों, शायरा शायरा जवाब सुनेगा, शायरा जवाब देती है, शायरा जवाब देती है कि बूढ़े के दिलो दिमाग पर इश्क का बुखार देखकर शायरा सहम के रह गई, हैरतों की रौ में बह गई, शायरा को जब मिला करार, अपने आप को किया तैयार, बूढ़े का जुनून देख कर, चेहरा पुरसुकून देख कर, शायरा बेचारी दिल जली, गीत माइक पर ये गा उठी, मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं कहा करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। शुक्रिया, वाह वाह वाह। अच्छा, इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ दो तीन शेर तरनू पढ़ दो। मेरे ख्याल इतने काफी हैं, मेरा लगता है मुझे। सुनिए मेरे भाई, मैं चाहता हूँ एक चार लाइन तरनू में सुन लीजिएगा, एक चार लाइन सुनिएगा, आवाज आ रही है ना? हेलो, सदर साहब से इजाजत लेने, सदर साहब मैं चाहता हूँ एक चार में से तरनू सुनाता हूँ मैं, है इजाजत? जी जी, तरनू से। हाँ, बहुत शुक्रिया नवाजिश, सुनिएगा, तस्मीन देखिएगा। मजनू बदल गया कभी राजा बदल गया, मजनू बदल गया कभी राजा बदल गया, पगड़ी बदल गई कभी सगरा बदल गया, पगड़ी बदल गई कभी सगरा बदल गया, ऐसे बदल रही है बॉयफ्रेंड लड़कियां, जैसे किसी के पांव का जूता बदल गया। अच्छी थी। जी जी,
तो लिया हंसा जी दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और जो अगली शायरा हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती। चलो मोहतरमा रजिया हैदर खान साहबा दिल्ली इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आप शायरा अदीबा रेडियो एंकर रही हैं, आलमी तहरीक और दो तंजीमों की जर्नल सेक्रेटरी हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया, मैं आमिर का शुक्रिया अदा करती हूँ और साजिद भाई के भी साथ में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इन्होंने यहाँ पे मुझे मधु किया। अब ये नहीं मालूम मुझे कि मैं पहले ये सुना चुकी हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक गजल, थोड़ी सी जी जज्बाती गजल है कलाम वो मैं कलाम आपको कभी सुनाना पुराना नहीं चाहूंगी। होता, बस सुनाए आप, चार जी दफा सुनाइए सुनाइए सुनाए। चलिए मैं सुनाती हूँ, आज सुनाइए। सदर साहबा की इजाजत से पेश जी जी करना चाहूंगी। सुनाइए जी जरूर। अश्क आंखों में शबो रोज भरे बैठी हूँ, अश्क आंखों में शबो रोज भरे बैठी हूँ, मैं जमाने से नहीं खुद से डरे बैठी हूँ। वाह 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 बहुत शुक्रिया। अश्क आंखों में शबो रोज भरे बैठी हूँ, मैं जमाने से नहीं खुद से डरे बैठी हूँ। वाह और शेर देखेगा कि एक अजब गोशा नशीनी है मुकद्दर मेरा, एक वाह अजब गोशा नशीनी है मुकद्दर मेरा, मैं अंधेरे में अंधेरों से परे बैठी हूँ। वाह 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 बहुत खूब भाई वाह बहुत वाह शुक्रिया। मैं अंधेरे में अंधेरों से परे बैठी हूँ और देखेगा कि कितनी जल्दी थी मुझे लौट के घर आने की, कितनी जल्दी थी मुझे लौट के घर आने की, और मैं हाथ पर अब हाथ धरे बैठी हूँ। हाँ वाह 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 कितनी जल्दी थी मुझे लौट के घर आने की, और मैं हाथ पर बहुत अब हाथ धरे बैठी हूँ। खूब देखेगा कि मुझको मालूम है वो शख्स नहीं आने का, मुझको मालूम है वो शख्स नहीं आने का, मैं के आहट पे मगर कान धरे बैठी हूँ। वाह 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 बहुत अच्छा वाह शेर, वाह वाह बहुत जी क्या बहुत कहने, शुक्रिया। वाह 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 मुझको मालूम है वो शख्स नहीं आने का, मैं के बहुत खूब आहट पे मगर कान धरे बैठी हूँ। और एक और वाह शेर देखेगा कि अहले खाना को है उजलत कि मेरी सांस कटे, अहले वाह खाना को है उजलत कि मेरी सांस कटे, और मैं हूँ कि कई दिन से मरे बैठी हूँ। अहले खाना को है वाह उजलत कि मेरी सांस कटे, और मैं हूँ कि कई दिन से मरे बैठी हूँ। और मतलब पेश करती हूँ कि एक लम्हे का भरोसा भी नहीं है रजिया, एक लम्हे का भरोसा भी नहीं है रजिया, और मैं उम्र का सामान करे बैठी हूँ। हाय वाह 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 बहुत खूब बहुत अच्छा लम्हे का बहुत भरोसा भी नहीं है रजिया, और मैं उम्र बैठी का सामान करे बैठी हूँ। बहुत एक और शेर, एक और छोटी सी गजल पेश करूंगी। हालांकि यहाँ पे मौसम आज धूप निकली हुई है, लेकिन फिर जब कभी बरसात होती है तो ये शेर मुझे अपना मतलब की गजल मैं सुनाया करती हूँ, लेकिन आज बगैर मौसम के सुना देती हूँ। जी घटा बताओ की मेहरबानी हो गई है, अच्छा घटा की मेहरबानी हो गई है, वाह फजा घटा कितनी के लिए सुहानी हो गई है। वाह 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 घटा की मेहरबानी हो गई है, फजा कितनी सुहानी हो गई है, हवा के वाह साथ उड़ती जा रही है, हवा के साथ उड़ती जा रही है, कोई बदली दीवानी हो गई है। हवा के वाह साथ उड़ती जा रही है, कोई बदली दीवानी हो गई है, नदी नालों में शब भर बहते बहते, देखिएगा कि नदी नालों में शब भर बहते बहते, ये मिट्टी पानी वाह पानी है। वाह वाह अमान वाह अमान अमान, बहुत शब भर अच्छा बहते बहुत बहते, ये मिट्टी पानी पानी हो गई है, बड़ा अच्छा शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जमी पर गर्द बनकर उड़ते उड़ते, जमी पर गर्द बनकर उड़ते उड़ते, ये मिट्टी आसमानी हो गई है। वाह वाह ये बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह 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 बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया। ये असल में एक एक शेर में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं जो शायद मेरे से ही ताल्लुक जी रखती हैं। और जी देखिएगा कि दीवारों में निकल आया है पीपल, दीवारों ओहो में निकल आया है पीपल, इमारत अब पुरानी हो गई है। वाह पढ़िए। वाह 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 बहुत दीवारों में खूब निकल आया है पीपल, वाह इमारत वाह वाह अब पुरानी हो गई है। पुरानी वाह 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 वेल बहुत एक्सप्लेन शुक्रिया, जी
बड़ी बेबाक होती जा रही है, एक और शेर देखिएगा कि बड़ी बेबाक होती जा रही है, मुसीबत आनी जानी हो गई है। बड़ी आसान है भाई। बड़ी बेबाक होती जा रही है, मुसीबत आनी जानी हो गई है, और देखिएगा कि मकता पेश करती हूँ कि सितारे फिर से रजिया लौट आए, सितारे फिर से रजिया लौट आए, पलक पर कामदानी हो गई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। सितारे फिर से रजिया लौट आए, पलक पर कामदानी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा कलाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम था। आपके हाथ में जो किताब थी वो भी बहुत पुरानी हो गई। पुरानी हो गई, लगता है कहानी हो गई है, मुशायरों में जा जा के किताब पुरानी हो जाती है। जी जी, लगता है कहानी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, जी जी जी, शुक्रिया। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ, और जो अगली शायरा हमारे साथ मौजूद है, मोहतरमा सना शेख साहबा मुंबई इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आप मेडिकल डॉक्टर हैं और LLB कर रखा है, इंग्लिश की शायरा हैं, आप उर्दू में भी लिखती हैं, कई अवार्ड्स जिनमें ज्यादा स्पोर्ट्स के शामिल हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर भी और वकील भी हैं, वाह। जी जी जी, इजाजत हो तो शुरू करूं। जी, तो ये कुछ, ये चार लाइनें लिखी थी। बीच में हाल ही में इंडिया में एक डॉक्टर के साथ कुछ हादसा हुआ था, तो काफी इनकलाब का माहौल चला था यहाँ पे, तो उसी के ताल्लुक से मैंने चार लाइनें लिखी हैं कि मत काटो मेरे पर, मत काटो मेरे पर, अभी जिंदा हूं मैं, बस परवास पे अपनी रसिंदा हूं मैं। उड़ने निकली थी ख्वाब लेकर जरा सा, उड़ने निकली थी ख्वाब लेकर जरा सा, मत मारो मुझे सिर्फ परिंदा हूं मैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, ये जरा फिर से पढ़िए। वाह वाह वाह, दोबारा पढ़ें। जी, उड़ने निकली थी ख्वाब लेकर जरा सा, मत मारो मुझे सिर्फ परिंदा हूं मैं। प्यारा, शुक्रिया शुक्रिया। और आखिरी आखिरी लाइन ये है कि दफना दो मेरी याद को जमी में तुम, दफना दो मेरी याद को जमी में तुम, फिर भी याद करोगे रमिंदा हूँ मैं। रमिंदा जो फ्यूजिटिव होता है, तो वो याद एक वो एस्केप कर जाएगी, तुम दफना वो फिर निकल आएगी बाहर। तो दफना दो मेरी याद को जमी में तुम, फिर भी याद करोगे रमिंदा हूँ मैं। और बहुत खूब, और जी बहुत शुक्रिया। और एक एक हल्के नोट पर एक नरेटिव पोएम, ये छोटी सी है, वो कह के फिर मैं खत्म करूंगी कि मैं और मेरी चाय अक्सर ये बातें करते हैं, चाय की मैं बड़ी शौकीन हूँ। तो अच्छा, और भी लोग बैठे होंगे चाय पीने वाले। जी जी जरूर। ये देखें, चाय पी रहे हैं हम भी। जी जी, आप तो सीन को कंप्लीट कर देते हैं साजी साहब। हमें तो पानी नसीब नहीं हो रहा यहाँ पर। जी, मैं और मेरी चाय, मैं और मेरी चाय अक्सर ये बातें करते हैं कि भजिया होती तो कैसा होता, साथ में चटनी होती, बाहर बारिश भी होती, पहाड़ होता, झरना होता, और ठंडी हवा का झोंका होता। मैं और मेरी चाय अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होते तो कैसा होता। कमाल कर दिया, आखिरी लाइन में तो कमाल हो गया भाई। जी जी शुक्रिया, बहुत आवाज कट रही है। कट रही है आवाज, छोड़नी करेंगे तो हम, हमें तो आ रही थी आवाज ना, ठीक। जी जी, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। तो बस प्यारी सी, आपके इंटरनेट का मसला होगा। जी, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ, और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम मुजाहद लालटेन साहब इलाहाबाद इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, 1980 से शायरी कर रहे हैं, आप मजाहिया शायरी करते हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। वाह जी वाह,
मालिक गानवी साहब का तोड़ा है ना अब। तोड़ दे तोड़ फोड़। मेरा शायद आया है जी जी, इजाजत चाह रहा हूँ जी जी। इरशाद इरशाद बताओ सदर जी, अता हो इजाजत चाहते मत। तस्वीर नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ रही, तस्वीर तो क्या तोड़ फोड़ कर पाएंगे फिर इनके स्पीकर। सही कह रहे ऐसा लगता है कुल्हाड़ी तैयार कर रहे हो। जी जी बिल्कुल। आइए लालटेन जी, लालटेन मिल गई क्या? देने में बैठे हैं। अरे यार कहाँ चले गए? वो कह रहे थे ना कि आवाज जो है वो कट रही है, उनकी आवाज कट रही थी, कुल्हाड़ी तैयार नहीं थी। इंटरनेट का इशू होगा। चलो अगले शायद को बुला लें फिर उनको बाद में। उनके लालटेन में तेल खत्म हो गया शायद। लगता तो है। जी जी मैं अगली शायरा का तारुफ करवाती चलूं। जो हमारे साथ अगली शायरा है मोहतरमा सहीना सदीकी साहबा दिल्ली इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं। आप रिटायर्ड इंग्लिश टीचर हैं, उर्दू हिंदी के मारूफ शायरा हैं। शायरी की एक किताब कई बरस पहले छपी थी, मजीद 5 किताबें आने वाली हैं। तरन्नुम से ज्यादा पढ़ती हैं आप, हर दिल अजीज शायरा हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। आवाज खोल रही ना साहब, अब आवाज खोल। आवाज खोलें जैना साहबा। नहीं खोली अभी तक। आपको देखने के साथ साथ हमने आवाज भी सुननी है। सही बिल्कुल सही। कोई नहीं, बटन दबा दी चले जाए। आवाज खोलें पहले, आवाज खोलें पहले। हाँ उधर देखें, लेफ्ट पर, राइट देखनी है। बटन दबा दी चले जाए, कोई ना कोई आ जाएगा, गायब ही हो जाए। जहाँ पे माइक बना हुआ है ना वहां पे टच करिए। मैं आऊँ अब? आ जाए, आज आप ही आ जाए। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। जैना को सुन ले, नजारा। जी जी, इसका मतलब हमारी सुन रही थी। सदर साहब से इजाजत यकीनन मिल चुकी होगी मुझे। अब मैं बदला पेश करती हूँ। जहाँ मकाम में हमेशा बशर नहीं रहते, जहाँ मकाम में हमेशा बशर नहीं रहते, ये बात सच है कि वो घर भी घर नहीं रहते। रंगों न प्यार के रंगों से दिल की दीवाने, रंगों न प्यार के रंगों से दिल की दीवाने, कि रंग मुद्दतों दीवार पर नहीं रहते, दीवार पर मुद्दतों दीवार पर नहीं रहते, क्यों आसमां को तकावा
पहले फर्श मीनार पर नहीं रहते थे, बहुत खूब मीनार पर नहीं रहते सुकून दिल का मिलेगा तुम्हारे दिल में, सुकून दिल तो मिलेगा तुम्हारे दिल में, ये जानते तो हैं हम भी मगर नहीं आहा, वाँ वाँ। हाँ बहुत बहुत अलग हम भी मगर नहीं रहते, मक्का समाप्त करो। जहीं जिनको जरूरत है रहनुमानी के, जरूरत है रहनुमा क्यों तेरे जेरे असर नहीं रहते, लोग क्यों तेरे जेरे असर नहीं रहते, जहां मकाम हमेशा बशर नहीं रहते। बहुत खूब भाई, वाह वाह, बात सच है कि वो घर भी घर नहीं रहते, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी, बहुत खूब, वाह माशाल्लाह, बड़ा मजा आया जी जी। जी मैं मोहतरम जहां लालटेन साहब का वो तारुफ करवा चुकी, उन्हीं को बाबते कलाम देंगे जी। तो ढूंढ लाए आप? हाँ तोड़, मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। फिर मोहतरमा से जाकर कहते हुए मतलब समझ फरमाए, आवाज बड़ा खाएं जनाब। मेहना साहब अपना आप म्यूट कर देना, वो आवाज डबल आ रही है। वही करेंगे पन्ने साहब, मैं कर देता हूँ। ठीक है, कर देते हैं, कर देते सब कर दे। चलो ठीक हो गया। शौक से खाएं जनाब, पेश खिदमत है कबाब, रब करे तेरा भला, रब करे तेरा भला, हुस्न तेरा लाजवाब। वाह ब्यूटी पार्लर, वाह ब्यूटी पार्लर, ये बुढ़ापा ये शबाब। अच्छा, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। वाह ब्यूटी पार्लर, ये बुढ़ापा ये शबाब, जब लगाया है बबूल, जब लगाया है बबूल, आए क्या उस पर गुलाब। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सब फिर पढ़ देना एक बार ये। जब लगाया है बबूल, अरे मोहतरम आप भी, वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जब लगाया है बबूल, आए क्या उस पर गुलाब, वक्ते कजा आ गया, वक्ते कजा हो सके ना पूरा ख्वाब, हो सके पूरा ख्वाब। आप भी कुछ जानिए, आप भी कुछ जानिए, मैं हूँ माजी का नवाब। क्या कहने, आप भी कुछ, आप कुछ भी जानिए, मैं हूँ माजी का नवाब, बुझ न पाई लालटेन,
था कभी इसका रुआब, वाह वाह वाह, रुआब शौक से खाए जनाब, पेश खिदमत है कबाब। एक एक कलाम और समाज हलवा ले, छोटी बहन है वो भी। आप जो बैठो मेरी जान, आप जो बैठो मेरी जान, थम जाए गम का तूफान। आप जो बैठो मेरी जान, थम जाए गम का तूफान। मैंने कहा जब पूरी छान, मैंने कहा जब पूरी छान, बरपा हो गया एक तूफान, बरपा हो गया एक तूफान। कौवे के पीछे मत भाग, कौवे के पीछे मत भाग, देख ले पहले अपने कान। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। कौवे के पीछे मत भाग, देख ले पहले अपने कान। काली घटाएं छाने लगी, काली घटाएं छाने लगी, बारिश के हैं अब इम्कान। अच्छा। बारिश के हैं अब इम्कान। वाह वाह वाह। मैंने पलक झपकाई थी, मैंने पलक झपकाई थी, उसने तमाशा मारा तान। बहुत खूब भाई वाह। मैंने पलक झपकाई थी, उसने तमाशा मारा तान। दुनिया के अब चक्कर छोड़, मक्ता समाज फरमाए, दुनिया के अब चक्कर छोड़, सिर्फ मुजाहिद अपनी मान। पास जो बैठो मेरी जान, थम जाए गम का तूफान। मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ ये मेरा बागीचा है, मैं गांव आया हुआ। जी जी, देखा है देखा है, बहुत खूबसूरत है। जी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बड़ा मजा। अमरूद है, आम है, पपीता है, सबके पेड़ लगे हुए हैं। ओ क्या बात है, उधर वो भांटे का भी पेड़ है, देखिए भांटा भी दिख रहा है, बिरिंजल दिख रहा है। क्या बात, क्या बात, लगा हुआ है, इतनी अच्छी, इतने प्यारे बगीचे में बैठ के। ये अमरूद भी है। जी जी, वाह वाह वाह, करौंदा बोलते हैं, करौंदे का पेड़। आपने बिल्कुल सही रिक्वेस्ट की है कि बाहर बैठे हैं और आपने बहुत अच्छी शायरी की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बगीचा बड़ा प्यारा था। जी, मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरम अब्दुल जलील इबाद साहब जर्मनी से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। एक शेरी मजमुआ मुद्दत हुई छपा था, चार कुतुब अनकरीब मंजरियां पर मजीद आने वाली हैं। आप खूबसूरत लबो लहजा के शायर हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब की इजाजत से दो छोटी छोटी गजलें पेश करता हूँ। लिखा है कि किससे मिलता हूँ के आवाज बदल बैठा हूँ। क्या कहने, क्या कहने, किससे मिलता हूँ के आवाज बदल बैठा हूँ, अब सुकून के सभी अंदाज बदल बैठा हूँ, अंदाज बदल बैठा हूँ। किसने एहसास की दुनिया में मचाई हलचल, पल में हम राज बदल बैठे। किसने एहसास की दुनिया में मचाई हलचल, एक ही पल में जो हम राज बदल बैठा हूँ। क्या कहने, आसमां तेरी तरफ सीख रहा था उड़ना, आसमां तेरी तरफ सीख रहा था उड़ना, क्या हुआ अब रुखे परवाज बदल बैठा हूँ। क्या खूबसूरत शेर है भाई, बहुत हो, आसमां तेरी तरफ सीख रहा था उड़ना, बहुत खूब भाई, क्या हुआ अब रुखे परवाज बदल बैठा हूँ। क्या बात है, मुझको अब और किसी चोटी को सर करना है, मुझको अब और किसी चोटी को सर करना है, चोटी पे मैं अफराज बदल बैठा हूँ। मुझको अब और किसी चोटी को सर करना है, क्या कहने भाई, वाह मैं अफराज बदल बैठा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो गाता हूँ
नई धुन पे अजब से नगमे, आता हूँ नई धुन पे अजब से नगमे, दिल के नगमों के सभी साज बदल बैठा हूँ, सभी साज बदल बैठा हूँ, अब नहीं सजदे से इनकार की जुर्रत मुझको, क्या हूँ अंजाम के आगाज बदल बैठा हूँ, अब नहीं सजदे से इनकार की जुर्रत मुझको, क्या हूँ अंजाम के आगाज बदल बैठा हूँ। क्या अंदाज है वाह वाह। लोग अब कहते हैं क्या क्या तेरे बारे में इबाद, सोचने के सभी अंदाज बदल बैठा हूँ, सभी अंदाज बदल बैठा हूँ, बहुत खूब भाई बड़ा अंदाज, मिलता हूँ के आवाज बदल बैठा हूँ, अब सुखन के सभी अंदाज बदल बैठा, क्या बात है वाह वाह वाह। तीन चार शेर लिखेंगे, अपने ही शेर सुनाते हुए जल जाते हैं, अपने ही शेर सुनाते हुए जल जाते हैं, लिखने जब बैठे तो सूरज में ही डल जाते हैं, बहुत शुक्रिया, ले गए हैं भाई बात, वाह बहुत खूब भाई वाह, लिखने जब बैठे तो सूरज में ही डल जाते हैं, हमको फितरत ही अता रब ने कुछ ऐसी की है, फूल फूल हैं कांटों से बहल जाते हैं, क्या खूबसूरत बात की भाई वाह वाह, क्या बात है वाह वाह, जब भी आंखों में सिमट आते हैं गहरे बादल, आंखों में सिमट आते हैं गहरे बादल, सब्ज करने कोई वीराना निकल जाते हैं, सब्ज करने कोई वीराना निकल जाते हैं, हमने देखा है दुआओं के असर से अक्सर, क्या चीज है कोहसार पिघल जाते हैं, दुआओं के असर से अक्सर, संग क्या चीज है कोहसार पिघल जाते हैं, जब भी खून बहता है मासूमों का इस धरती पे, अहले एहसास के तो दिल ही मसल जाते हैं, मासूमों का इस धरती पे, अहले एहसास के तो दिल ही मसल जाते हैं, ताक तो जोफ का भी खेल है कब से जारी, का भी खेल है कब से जारी, क्या बात है, दर है वो दरिया को निकल जाते हैं, जो समंदर है वो दरिया को निकल जाते हैं, क्या कहने भाई वाह वाह, हाल क्या उनको बताएं तुम्हें यारो के बाद, हर हसी शय को ही लेने पे मचल जाते हैं, वाह क्या कहने भाई वाह वाह, दोबारा पढ़े मक्ता दोबारा पढ़े जी, हाल क्या उनको बताएं तुम्हें यारो के बाद, हसी शय को ही लेने पे मचल जाते हैं, वाह वाह वाह, क्या लाइन भाई अदा की आपने आखिरी, वाह वाह वाह, जल जाते हैं, लिखने जब बैठे तो सूरज में ही डल जाते हैं, बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ और अगली शायरा जो हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरमा फातिमा खतून साहबा कोलकाता इंडिया से हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, आपने PhD कर रखी है, तीन कुतुब मंजरे आम पर आ चुकी हैं, अफसाना निगार भी हैं, शायरा अदीबा हैं, तहकीकी मजामीन भी लिखती हैं, दरसो तदरीज से वाबस्ता हैं, दो रिसालों की मदीरा भी हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। मारिया साहब बहुत बहुत अच्छी निजामत, बहुत खूबसूरत निजामत कर रही हैं आप, और हमेशा उसको बहुत मुबारक है, इस तरह से हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेके आप लोग आती हैं, और साहब जो हैं उनको भी बहुत मुबारक, काफी दिनों बाद सबको एक साथ देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो बस वाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का, शुक्रिया बहुत जी, बहुत शुक्रिया, तो इसके लिए भी शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और बस कुछ तमहीद ना करते हुए एक तरही गजल है महमूद अयाज साहब के मिसरे पे,
मैं पेश करना चाहूंगी कि मतला अर्ज है जी जरूर जी सदर साहिबा की इजाजत जी जी बता कीजिए जी। नगमाए दिल सुना रहा है मुझे, नगमाए दिल सुना रहा है मुझे, सुना रहा है मुझे, कोई बेखुद बना रहा है मुझे, नगमाए दिल सुना रहा बना रहा है मुझे, मेरी आंखें ये मुझसे कहती हैं, मेरी आंखें ये मुझसे कहती हैं। ये तज़मीन का शेर है कि बहुत सोचता रहा है मुझे, वाह, मेरी आंखें ये मुझसे कहती हैं तू बहुत सोचता रहा है मुझे। और ये शेर है कि हवस का गलबा है, रंग कैसा दिखा रहा है मुझे। आवाज जा रही है, थोड़ी कट रही है जी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, पता नहीं क्यों आज ये कहां से नेटवर्क की प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आज नेट का मसला है ना जी, बढ़िया। जिसमें हिरसो हवस का गलबा है, रंग कैसा दिखा रहा है मुझे। और ये शेर है कि राह गुजारे खुलूस उल्फत में, राह गुजारे खुलूस उल्फत में, किस लिए आजमा रहा है मुझे। और ये शेर है कि आंख रखती हूँ मैं भी ऐ साकी, आंख रखती हूँ मैं भी ऐ साकी, कैसा मंजर दिखा रहा है मुझे। है कि आईना सामने तो है लेकिन, आईना सामने तो है लेकिन, दर्द चेहरा दिखा रहा है मुझे। किस लिए तेरी फितरत से खूब वाकिफ हूँ, तेरी फितरत से खूब वाकिफ हूँ, दोस्तों से लड़ा रहा है मुझे। दोस्तों से लड़ा रहा है मुझे। और ऐ मेरे दोस्त अहदे माजी की, ऐ मेरे दोस्त अहदे माजी दास्ता क्यों सुना रहा है मुझे। वाह वाह वाह, बहुत और ये मतलब है कि फातिमा कह रही है ये जाना, फातिमा कह रही है ये जाना, फातिमा कह रही है ये जाना। आवाज कट रही थी, मुझे समझ नहीं आई लास्ट लाइन की, फिर से कहिए। अच्छा, फातिमा कह रही थी ये जाना आगे क्या कह रही, इसलिए आजमा रहा है मुझे। इसलिए आजमा रहा है मुझे। हाँ जी सॉरी, थोड़ा सा करना हो आवाज कट लेते ना, आज कुछ नेटवर्क की परेशानी है, अगर नेटवर्क का ये मसला ना होता तो शायद कुछ और पेश करती, लेकिन लगता है कि कुछ परेशानी है इधर। हवाएं तेज हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, हवाएं तेज हैं ये सब कह रहे हैं। जी मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ जी, बहुत शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर रफीक सौदागर साहब मौजूद हैं? नाम नहीं लिखा रहा है, नहीं मौजूद जी। मैं शायरे को आगे बढ़ाती हूँ और शायर का तारुफ करवाते चलूँ। हदायतकार, मुसन्निफ, फिल्म साज नज़ीर अली फर्ताश लिखते हैं, उर्दू अदब का बुल्ला है डॉक्टर साहब साजिद।
इन्होंने लिखा, खुशबू का जिक्र काले स्याह लफ्जों में नहीं किया जा सकता। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप वक्तन फ़क्तन मुशायरों का इनकार करते रहते हैं जिनसे लोग उर्दू अदब के करीब आते हैं। आप गीतों के बादशाह के तौर पर यूरोप में याद किए जाते हैं। जर्मनी से हमारे साथ करते हैं डॉक्टर इसहाक साजिद साहब। आपका भाई वतन पाकिस्तान है। 5 मजमुए कलाम मंजर हम पर आ चुके हैं। छठा जेर तबाह है। आपके कलाम अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया के अहम मसाइल में शाया होते रहते हैं। मंदर इंटरनेशनल के चीफ एडिटर हैं। आपको अदबी आलमी पीस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। जी शुक्रिया मारिया। अच्छा मोहतरमा सदर साहबा से जा चाहूंगा जी। अपने गीत और आपने नज्में और गजलें सुन ली, मैं गीत पेश करूंगा जी। शुक्रिया। ये गीत का जो है ना, मैंने इसको नवान के तहत लिखा था, शहरे अजनबी। इस शहरे अजनबी की बहरी है जब हवाएं, इस शहर अजनबी की बहरी है जब हवाएं, फिर किस को हम यहाँ पर रुदाद गम सुनाएं। किसे किसे कहें तुम्हारे क्यों शहर में है आए, किसे कहें के दिल पर क्यों है गमों के साए, किसे कहें के किसको देता है दिल दवाए, किसे कहें के किसको देता है दिल सदाई, इस शहर अजनबी की। और गूंगा है शहर शहरी सबके सभी हैं बहरे, गूंगा है शहर शहरी सबके सभी हैं बहरे, बेफुर्सती के जैसे सब पर लगे हैं पहरे, हमको सवाली पाकर सब ही बमें चढ़ाए, इस शहर अजनबी की। ओ नाराजगी के फन से क्यों दिल को डस रहे हो, क्यों शहर अजनबी में तुम आके बस गए हो, किस तरह पहुंच तुम पर, किस तरह पहुंच तुम तक, कैसे तुम्हें मनाए, इस शहर अजनबी की। हम शहर में तुम्हारे कब से भटक रहे हैं, शाखे उम्मीद पर हम कब से लटक रहे हम शहर में तुम्हारे कब से भटक रहे, शाखे उम्मीद पर हम
कब से लटक रहे हैं, है बेपता ठिकाना, हम कैसे तुम पाए इस शहर अजनबी की, बहरी हैं जब हम आए। शुक्रिया, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, प्यारी आवाज आपने अदा की कुछ और पेश करें कर दे जी मोहतरमा, अगर सदर साहब इजाजत दे तो गजल के चंद अशआर पेश कर दूं। जी जी जी, ये एक कोई 20 साल पहले मेरी ये गजल है, तो वो मैं पेश कर रहा हूँ, जवानी जवानी वाली। मेरी पलकों पे कोई ख्वाब सुहाना रख दे, मेरी पलकों पे कोई ख्वाब सुहाना रख दे, फिर मेरे लापरवाहों का तराना रख दे, तू मुझे भूल चुका है तो शिकायत कैसी, तू मुझे भूल चुका है तो शिकायत कैसी, अब मेरा नाम भी एक भूल अफसाना रख दे, मेरी पलकों वसल के लम्हों की दुआ तू हम, वसल के लम्हों की दुआ दे तू हमेशा मुझको, हिजर के शम चरागों का जमाना रख दे, और शेर है कासनी अब्र की मानत बरस जा मुझ पर, कासनी अब्र की मानत बरस जा मुझ पर, धूप मंजर में कोई लम्हा सुहाना रख दे। कासनी अब्र की मानित बरस जा मुझ पर, धूप मंजर में कोई लम्हा सुहाना रख दे। खत्म साजिद पे है दीवानगी इश्क की बात, खत्म साजिद पे है दीवानगी इश्क की बात, नाम इस जज्बे का जो चाहे जमाना रख दे, मेरी पलकों पे कोई ख्वाब सुहाना रख दे। शुक्रिया, तुमसे पढ़ा बहुत आनंद आया, बड़ी मोहब्बत, दिल उदास भी हुआ अचानक ही वो रिसाला एक छपता था दिल्ली में, अच्छा। दुशीजा तो उसमें छपी थी, तो वो अच्छा मैं कहते यही सुना देता, रिसाले का नाम भी इतना प्यारा है दुशीजा। खुश हो गया वैसे। शुक्रिया, बड़ी नवाज़ है, मोहब्बत जी। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ।
और जो अगले शायर हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहतरम असगर ख्याली साहब जंग पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। 1968 से शायरी कर रहे हैं। पिछले साल एक 500 सफहात का मजमुआ कलाम यानी दीवान मंजरे आम पर आ चुका है। आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। इनका जो तरना कमाल का है। जी जी शायद आप तो इतने अच्छे लग रहे हैं और प्योर वाइट क्या बात है। वाह वाह वाह, बड़ी आपकी बड़ी जो नजर है बहुत शनाख्त करने वाली। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। बात कीजिए, मैं तो देर से इंतजार कर रही हूँ आपको सुनने का जी। माशाल्लाह। मैं 54 साल पीछे जा रहा हूँ 1970 में। लड़कपन में जा रहे हैं आप तो, फिर लड़कपन में गुड़वाली पे छोड़ के लड़कपन में। मैं भी 70 में चला गया हूँ। अच्छा अच्छा। मैं इस गजल के साथ किताब में एक कथा भी है। जी जी अता हो। तो वो कथा ऐसे है जैसे मुजाहिद लालटा ने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, कमाल है भाई। वाह वाह वाह, कमाल करती। क्योंकि कुछ उनके मजाज से मिलता जुलता है ये। अच्छा अच्छा। तो अर्ज करता हूं, प्यार में पासे शरीयत चाहिए। वाह वाह वाह, प्यार में पासे शरीयत चाहिए, दोनों जाने भी यकसा रगबत चाहिए। वाह वाह वाह, दिल रुबा की सोच के दरबार में, दिल रुबा की सोच के दरबार में दो तिहाई अक्सरियत चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं ये 5 अशआर की एक छोटी सी गजल है। जी 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 जी, अता हूं। फिर काफिला मदाल का उतरा ख्याल में। आहा, क्या बात। फिर काफिला मलाल का, वाह वाह वाह, काफिला मलाल का ख्याल में। वाह जी वाह वाह, उलझा हुआ बटेर सोचों के जाल। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया ख्याली साहब। वाह जाकर खोया हुआ हूँ चाह में, कुछ इस तरह खोया हुआ हूँ चाह में, कुछ इस तरह माल जहाँ जैसे हरी से माल जहाँ माल पसरा गया निगाह को एक पैकरे जमा। वाह वाह वाह, कमाल है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। पथरा गया निगाह को एक पैकरे जमा। वाह वाह वाह, क्या अंदाज है। वाह वाह, ये
देखा जिस को आँख ने शक्ले हिलाल में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। देखा था शक्ले हिलाल में, बहुत खूब भाई वाह। आए कहाँ से कौन वो, जाना किधर को है। आए कहाँ से कौन हो, जाना किधर किधर को है। मुझे बंद हो गया दरिया में, वाह 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 वाह, बंद हो गया वाह दरिया सवाल में। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात कर दिया, वाह। वक्ता है जी, अता दुनिया रही नदी में, हयाली रहे बोलो, दुनिया रही नदी में, खयाली रहे बोलो, वाह 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 वाह। ये रहे जो दामे अरूद, क्या तखल्लुक इस्तेमाल किया आपने इसमें, वाह वाह वाह, कमाल भाई कमाल। जो दामे अरूजो जवान में, काफिला मलाल का उतरा ख्याल में, उल्टा हुआ बटे रूहूं सोचों के जाल में। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या तशबीह दी है, क्या कमाल है भाई, शायरी भी बहुत अच्छी है, अंदाज जी जी, खूबसूरत आवाज, वाह वाह वाह, मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत जी बहुत जी, बहुत खूबसूरत कलाम था। मैं मुशायरे को आगे बढ़ाती हूँ। मुशायरे की जीती जागती यूनिवर्सिटी मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर खंडे साहब बरतानिया से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अबाई वतन पाकिस्तान है, आपके 17 मजमुए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें 12 कुतुब शायरी की हैं, एक किताब इंग्लिश की है, 2 होम्योपैथिक की और 1 किताब हमदोनाथ की है, और 1 नज्मों की। आप इल्म व दानिश से सजी हुई शख्सियत हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। यूनिवर्सिटी है आप, कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा मारिया साहिबा, आपने तारुफ पेश फरमाया। मैं मोहतरमा सदर साहिबा से इजाजत चाहता हूँ। मोहतरमा सदर साहिबा इजाजत है, तब जरूर, मैं तो इंतजार में हूँ कि आप का नाम सुनाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। गजल के बेखुशी में शहर के हालात से गाफिल हुए, बेखुदी में शहर के हालात से गाफिल हुए, ख्वाब में एक नूर था रात से गाफिल हुए। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, शुक्रिया। बेखुदी में शहद के हालात से गाफिल हुए, ख्वाब में एक नूर था कि रात से गाफिल हुए, रोशनी में जो रखा करते थे बस्ती की खबर, रोशनी में जो रखा करते थे बस्ती की खबर, आईना टूटा तो अपनी जात से गाफिल हुए।
वाह वाह वाह, दहर में ये क्या बदलते मौसमों ने कर दिया, दहर में ये क्या बदलते मौसमों ने कर दिया, जीने वाले गर्मीये जज्बात से गाफिल। वाह 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 वाह, क्या बात। बेहिसी का दौर तो वापिस कहीं आया नहीं, बेहिसी का दौर तो वापिस कहीं आया नहीं, दर्द के मारे हुए सदमात से गाफिल हुए। बहुत अच्छा शेर। हाकमों के बीच क्या फिर से सियासत छिड़ गई, हाकमों के बीच क्या फिर से सियासत छिड़ गई, शहर में फिर लोग इल्जामात से गाफिल हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने। हाकमों के बीच क्या फिर से सियासत छिड़ गई, शहर में फिर लोग इल्जामात से गाफिल। मेहरबानी वक्त ने की फिर भी हालत है वही, मेहरबानी वक्त ने की फिर है हालत, फिर भी हालत है वही, हम भी आखिर तोहफाए खैरात से वाकिफ हुए। बेवफाओं की जफा, बेवफाओं की जफा के लोग आदि हो गए, बेवफाओं की जफा के लोग आदि हो गए, सब मुनव्वर मोमिनी की बात से गाफिल हुए। सब मुनव्वर मोमिनी की बात से गाफिल हुए, बेखुदी में शहर के हालात से गाफिल हुए, दूर था कि रात से गाफिल हुए। मोहतरमा सदर साहब, एक गजल और पेश कर देता हूँ आपकी इजाजत के साथ। जी अता हो जनाब। रात के जर्रे, सॉरी, रेत के जर्रे को सहरा के बराबर जानकर, रेत के जर्रे को सहरा के बराबर जानकर, मुतमिन है लोग कतरे को समंदर जानकर, क्या खूबसूरत बात है भाई, वाह। रेत के जर्रे को सहरा के बराबर जानकर, मुतमिन है लोग कतरे को समंदर जानकर, दर्द की गहराइयों में डूबते जाते हैं लोग, दर्द की गहराइयों में डूबते जाते हैं लोग, इस कदर खाइफ है लहरों को सितमगर जानकर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। शहर में यूं ही नहीं फिरते पुराने रात, शहर में यूं ही नहीं भरते पुराने रात दिन, दहर में यूं ही नहीं भरते उड़ाने रात दिन, आसमां की समत बढ़ते हैं कबूतर जानकर। जिनको हासिल है जमाने में बशर का खानदान, जिनको हासिल है जमाने में बशर का खानदान, भटकते हैं जहां में खुद को बेघर जानकर। वाह 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 वाह, क्या कहना। शुक्रिया। खल्क की आंखों पे जाहिर कर रही है हर अदा, खल्क की आंखों पे जाहिर कर रही है हर अदा, जिस्म को ओढ़े हुए हैं लोग चादर जानकर। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। वाह वाह, दोबारा पढ़े शेर जनाब। ये आंखों पे जाहिर कर रही है हर अदा, जिस्म को ओढ़े हुए हैं लोग चादर चादर जानकर। वाह वाह, क्या अपना चेहरा देखने का शौक रखता हूँ मगर,
अपना चेहरा देखने का शौक रखता हूँ मगर अक्स से महरूम शीशे को पत्थर जानकर, जिसकी अपना चेहरा देखने का शौक रखता हूँ मगर अक्स से महरूम शीशे को पत्थर जानकर, और कर्ज करता हूँ कि हमसे जो रखता नहीं कोई ताल शहर में, हमसे रखता नहीं था हमसे जो रखता नहीं कोई ताल्लुक शहर में, क्या करें हम उसके बारे में मुनव्वर जानकर। हमसे जो जबरदस्त बात की, कोई ताल्लुक शहर में, क्या करें हम उसके बारे में मुनव्वर जानकर, क्या कहने भाई बाबा सहरा के बराबर जानकर, मुतमिन है लोग कतरे को समंदर जानकर। मिलियन डॉलर शेर है जी। हाँ शुक्रिया आपका, वाह वाह मिलियन डॉलर क्या कहने, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मारिया पढ़ाइए आप आगे। मारिया आवाज खोले, मारिया आवाज बंद है, तस्वीर भी बनता है प्यारी सी तस्वीर। जी मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव को पहुंच चुका है, तो मैं सदरे मोहतरमा से गुजारिश करूंगी कि अपने कलाम से नवाजे और अपने सदारती कलामात से। वाह क्या कहना जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, और ये पर्बे अमेकता जबरदस्त फॉरम है, और मैं सादिक साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना अच्छा सबको, यानी ये जो आप फोरम आपका है और आप इतना फैलाते हैं शायरी को, उर्दू अदब को, और इतने आला आला शायरों से मिलाते हैं, कलाम सुनने में आता है, ये बहुत बड़ा काम है, और मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ आप सब से कि आप इतना अच्छा इसको रखते थे। दुनिया के शायर हम देख लेते हैं, मिल लेते घर में बैठे बिठाए, तो बहुत दिल को सुकून होता है ये, और लुक फॉरवर्ड करते हैं, और भी अच्छी नजामत करती है, बहुत एक वो भी एक अपना लुत्फ है, तो मुझे शुक्रिया के मुझे आपने मौजूद किया, और बहुत अच्छा लगता है, और इसका अल्लाह ताला आपको और करने का मौका दे, और आगे इसकी तरक्की हो, और आप लोग आगे, और सब बहुत आला कलाम पढ़ते हैं, हंसते भी हैं, चाय भी पिला देते हैं शायरी से, बड़ा रौनक लगाते हैं जी। आपको दो तीन बदलों सुनाऊंगी अगर, और जी जी अगर आपके सामने वो हो ना खुशबू या वो फूल वाली, वो जरूर सुनाइएगा। वो तो मैं कुछ भी हो जाए आपको जरूर सुनाया करूंगी, बड़ी नवाज सुनाऊंगी, और एक दो जी 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 नवाज दो चार उषा एक गजल में से जी अता हो अमतन गोश तेरी पहरहन पहना है जब से, फकीरी पहरहन पहना है जब से, वाह 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 वाह, जहां वाले कहना है जब से, जहां वाले हमें सुल्तान समझे, मुरतब अपने दरबो गम किए हैं, जमाना मीर आपने एक पहले गजल पेश करती हूँ, और ये सारे आपकी शायरी के नाम, आप इस फॉरम के नाम, सब शायर जितने शोहरा हैं उनके नाम, नई किताब में की का ये पहला पहला सफा है, और ये इसका नाम है रक्से शायरी, जो जिसका के कवर भी मैंने ही पेंट किया है, तो इसमें है क्या कहने, उनवान है रक्से शायरी, क्यों मैं आपको भी हूँ, तो ये आप सबके नाम है जो इतनी शायरी पढ़ते हैं, जी जी टाइटल बहुत खूबसूरत है,
शाम गम में सूरत तनवीर रक्स शायरी, क्योंकि इसका किताब का नाम उन्वान है रक्स शायरी। शाम गम में सूरत तनवीर रक्स शायरी, बन गया है ख्वाब ख्वाब की ताबीर रक्स शायरी। आसमानों की बुलंदी पर बढ़ रहे हैं आसमानों की बुलंदी पर कदम, जब से है आमादा तासीर रक्स शायरी। राह गुजार जिंदगी में धूल था वरना बदन, बात मेरी कर गया इकसीर रक्स शायरी। क्या इतना आला कलाम पढ़ा, इतना अच्छा कि शायरी में एक जिंदा रहता है इमेजिनेशन आता वजूद उसकी रूह। तो अर्ज क्या है, मेरी सोचों मेरे लफ्जों में है हीरो का जमाल। ये आप सब वाह 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 शुक्रिया। मेरी सोचों मेरे लफ्जों में है हीरो का जमाल, मेरा सरमाया मेरा सरमाया एक सेकेंड जी सॉरी मेरी सोचों मेरे लफ्जों में है हीरो का जमाल, मेरा सरमाया मेरी जागीर रक्स शायरी। वाह 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 क्या कहने, वाह 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 बहुत। मैं के एक काबे हसी हूँ, मैं के एक हुस्ने जमाल, मैं के एक काबे हसी हूँ, मैं के एक हुस्ने ख्याल, इसलिए रंगों की रक्स शायरी। वाह 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 इस तसलसल से हैं वाबिस्ता मेरे शाम और सहर। हम शायर इसी तरह सोचते हैं ना, जब आ गया दिलबदी आ गया तो कह दिया इस तसलसल से हैं वाबिस्ता मेरे शाम और सहर, बन गया है प्यार की जंजीर रक्स शायरी। उम्र भर में आबरू नहीं है आदमी, अब इसको गौर से सुनिए, उम्र भर बेआबरू होता नहीं है आदमी, जिसको ठहरे बायस है तौखीर रक्स शायरी। गुल नहीं होता कहीं भी बज्मे हस्ती का चराग, गुल नहीं होता कहीं भी बज्मे हस्ती का चराग, जगमगा देता है यूं तकदीर रक्स शायरी। देख सकती हूँ तो दायरा दर दायरा, वाह दायरा दर दायरा, वाह दायरा आईना साजी की है तस्खीर रक्स शायरी। फैल कर मेरे रगो पे बराबर यास्मीन, फैल कर मेरे रगो पे में बराबर यास्मीन, कर रहा है रूह की तामीर रक्स शायरी। रक्स शायरी से रक्स हयात याद आ गई। ये वो जो है आपके जी, शुक्रिया। फूलों वाली गजल सुनाऊं पेश करूं? जी 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 बड़ी नवाजिश नवाजिश, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फूल बनाती हूँ और बहुत ज्यादा गुलाब बनाती हूँ, इसलिए गुलाब बेहद पसंद है। जी पेश खिदमत है। बहार के रंग नहीं, ये वाह 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 वाह, चलिए पहले ये सुना दें, नहीं पहले गुलाबों वाली सुनाती हूँ आप, क्योंकि आपने जी। शाखे तलब पे झूमते गाते हुए गुलाब, वाह 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 वाह, तलब पे झूमते गाते हुए गुलाब, वाह वाह वाह, फैजों में सुबह नूर सुनाते हुए गुलाब, वाह वाह वाह, क्या कहने। आया है उसकी बात पे इस वास्ते यकीन,
आया है उसकी बात पे इस वास्ते यकीन लाया है अपने साथ वो आते हुए क्या कहने भाई वाह वाह ऐसी मुसव्वरा हूँ ऐसी जहाँ भर की खुशबुए ऐसी मुसव्वरा हूँ जहाँ भर की खुशबुए मुझको अता हुई है बनाते हुए गुलाब ये जो मेरे बदन में है खुशबू घुली हुई ये जो मेरे बदन में है खुशबू घुली हुई गुजरी है एक उगाते हुए गुलाब बहुत खूब बदलता है जी अब मैं हूँ और हल्का है तारा है दोस्त अब और हल्का है तारा है दोस्त क्या ले गया है वो जाते हुए गुलाब क्या कहने वही वाह अब मैं हूँ और हल्का है तारा है दोस्त हमरा ले गया है वो जाते हुए गुलाब वाह वाह क्या कहने उसने तो आज भी नहीं आना है इसलिए उसने तो भी नहीं आना है इसलिए दुख किस कदर हुआ है सजाते हुए गुलाब क्या कहने आपके लिए कुछ गुलाब भेजे मैम आपके लिए कुछ गुलाब भेजे ग्रुप चैट पे आप देख लीजिए डॉक्टर शेख सना साहब है ये इसलिए सफर हुआ है सजाते हुए गुलाब रखे हुए हैं मौसमों ने इस जफा के साथ रखे हुए हैं मौसमों ने इस जफा के साथ आंखों से दूर आंखों को भाते हुए गुलाब अर्ज है जी जाने यास्मीन कहाँ खो के रह गए जाने यास्मीन कहाँ खो के रह गए सोई हुई महक को जगाते हुए गुलाब शाम पैगाम सुबह नूर सुनाते हुए गुलाब आया है उसकी बात पे इस वास्ते यकीन लाया है अपने साथ वो आते हुए गुलाब आते हुए गुलाब ले आया और जाते हुए ले गया गुलाब है ऐसे ही तो होता है बात ही और होती है जी बहुत खूबसूरत और बहुत हर हर वक्त काम आता है पैदा हो तब भी जहाँ से जाए तब भी और रहता है जी जी, जी, अब मैं आपको सुना देती हूँ क्योंकि मैं रंगों से खेलती हूँ पेंटिंग किसी वक्त आपको अपना सारा ये सजा हुआ ड्राइंग रूम दिखाऊंगी पेंटिंग्स का लगता है अगली किताब की जो है ना आपसे बनवानी पड़ेगी टाइटल अच्छा जी शुक्रिया अदा हो हाथ जब भी लगे बाहर के रंग हाथ जब भी लगे बाहर के रंग जिंदगी में अरे प्यार के रंग प्यार के रंग वाह वाह प्यार के रंग वाह वाह जिंदगी में हरे हैं प्यार के रंग मैंने रखे हैं सब संवार के रंग मैंने रखे हैं सब संवार के रंग चैन के सुख भरे करार के रंग तेरे दामन को सुर्ख रू रखा तेरे दामन को सुर्ख रू रखा अपने आंचल के सारे हार के रंग तेरे दामन को सुर्ख रू रखा अपने आंचल के सारे हार के रंग लौट आओ के पेश दर्श के लौट आओ बड़ा दर्द है इसमें लौट आओ के पेश दर्श के धूल हो जाए इंतजार के रंग दोबारा अपने शेर वाह 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 बहुत खूब लौट आओ के पेश दर्श के धूल हो जाए इंतजार के रंग और अगला शेर मेरा सुनेगा बड़े गौर से मेरी आंखों में तुमने झांका नहीं मेरी आंखों में तुमने झांका नहीं
तुमने देखे नहीं खुमार के रंग। मेरी आंखों में तुमने झांका नहीं, तुमने देखे नहीं खुमार के रंग। शुक्रिया बहुत। सास को रक्स करने लगता है, सास को रक्स करने लगता है, गुनगुनाते हैं जब सितार के रंग। वाह 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 वाह, सितार के रंग, वाह वाह वाह, जब सितार के। यास्मीन उसको पा लिया मैंने, यास्मीन उसको पा लिया मैंने, अपनी हस्ती के सारे बार के रंग। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अपनी हस्ती के सारे के रंग। जब भी लगे बहार के रंग, जिंदगी में भरे हैं प्यार के रंग, प्यार के रंग मेरे रखे हैं सब सिवार के रंग, चैन की चुप भरे करार के रंग। वाह वाह क्या बस, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। अगली दफा जो है ना सारे वो माइक्रोस्कोप साथ लेके हमें देखना, हमने करीब करके। वाह वाह कमाल है, कमाल कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया। एक गजल और सुना के जी जी बताओ जी। मेरा लहू भी हुआ मोतबर गनीमत है, मेरा लहू भी हुआ मोतबर गनीमत है, बदन के पेड़ हम का समर गनीमत है। मेरा लहू भी हुआ मोतबर गनीमत है, बदन के पेड़ पे हम का समर गनीमत है। खत्म कभी जिंदगी की राहों में ना होगा, कभी जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में वाह, तुम्हारी याद का अपने सफर गनीमत है। वाह 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 वाह, क्या कहना। मैं थक के अपने ही साए में बैठ जाऊंगी, मैं थक के अपने ही साए में बैठ जाऊंगी, सफर की धूप में ये भी शजर गनीमत है। गनीमत है, वाह 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 वाह, मैं थक के अपने ही साए में बैठ जाऊंगी, सफर की धूप में ये भी शजर गनीमत है। तमाम लोग कभी दीदावर नहीं होते, तमाम लोग कभी दीदावर नहीं होते, यहाँ मिले कोई अहले नजर गनीमत है। वाह 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 वाह, न जाने कैद थी जिंदान खाक में कब से, जाने कैद थी जिंदान खाक में कब से, मिला है रूह को इसने सफर गनीमत है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। न जाने कैद थी जिंदान खाक में कब से, मिला है रूह को इसने सफर गनीमत है। किसी की कोख से सूरज कोई जन्म लेगा, किसी की कोख से सूरज कोई जन्म लेगा। वाह वाह वाह, हमारे दिल में उम्मीद सहर गनीमत है, गनीमत है। इसी की कोख से सूरज कोई जन्म लेगा, हमारे दिल में उम्मीद सहर गनीमत है, गनीमत है। अगरचे टूटना किस्मत है यास्मीन इसकी, अगरचे किस्मत है यास्मीन इसकी, दयारे संग में शीशे का घर गनीमत है। क्या कहने, अच्छे टूटना किस्मत है यास्मीन इसकी, तैयार है संग में शीशे का घर गनीमत है। गनीमत है, वाह वाह वाह, तेरा लहू भी हुआ मोतबर गनीमत है, बदन के पेड़ से गम का समर गनीमत है। वाह वाह बहुत वाह वाह, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाजत चाहती हूँ, मेरा ख्याल है काफी नहीं हो गई। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ड्राइवर साहब, गंडे साहब, आपसे सबको मिलके बहुत खुशी हुई। और वो जो जो मेरे बहुत ही प्यारे से फरिश्ता नुमा शायर, उनका क्या नाम था, असर ख्याली साहब, मबलूस, इस कदर अच्छे लग रहे थे ना जी, बैठे हुए हैं असर ख्याली साहब। आपने मुझे आज बहुत दुख दिया है, प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी है हमारी गुलाम वाला सुना, सारी लेडीज इतनी प्यारी है, सच्ची इनकी तो
सच्ची बात आपने कर दी, इल्जामत कर रही हूँ कि प्यारी प्यारी छोटी छोटी नज़में कितनी प्यारी थी, और हमें तो चाय तो डॉक्टर साहब कहूँ या उनको मैं वकील साहब कहूँ, उनकी तो चाय नहीं पीऊंगा कभी भी। आपके तो गीत ने मुझे अच्छा, मैं मस्त हो गई थी। और देखिए आप हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई कनाडा से है, कोई जर्मनी से। इतना अच्छा लगता है कि ऑल ओवर यू आर स्प्रेडिंग, ये आपका कमाल है कि यू आर स्प्रेडिंग हमारा अदब, उर्दू शायरी, सब तो मिल लेते हैं, खुश होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे सब, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया अल्लाह इंशाल्लाह, अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह।